क्योंकि भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। रामपुर के बिलासपुर में आज किसानों ने कृषि बिलों के काले कानून के विरोध में सैकड़ों ट्रैक्टर गाड़ी से जागरूकता यात्रा निकाली, जिसमें किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। वहीं किसानों ने कहा कि पहले से और ज्यादा किसान अब मजबूत हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। बंगाल में किसानों ने भाजपा का जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और पंचायती चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को भी हराया जाएगा। किसानों के इस विरोध को 119 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जब तक किसानों की नहीं सुनेगी ये सरकार, तब तक विरोध होता रहेगा। बचाने के लिए उठती है आज देश के किसान को 119 दिन हो गए। 119 दिन से देश का किसान सड़क पर मर रहा है और देश का हुक्मरान और देश के मंत्री और विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। बिलासपुर के सम्मानित साथियों, आओ, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, इस देश को बचाना है। LIC बेचती, रेल बेचती, ट्रेन बेचती, एयरपोर्ट बेचती, बैंक बेचती, सुंदर का बेचती, बजा सुंदर लाल किला भी कहे दिल्ली रख दिया। ये सारा कुछ बेचने लगे देश की किसान खेती किसानी बेच देंगे। अगर खेती किसानी बेचती, अगर मजदूर खुशहाल होगा, अगर किसान खुशहाल होगा, तो व्यापारी खुशहाल होगा। रामपुर के बिलासपुर चौराहे पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों ने विरोध एक रैली जो है निकाली है। नानकपुरी टांडा से ये रैली होते हुए इधर जो है बिलासपुर माट खेड़ा और नवाबगंज तक जाएगी। किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। अभी भी किसान विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसान मांग ये है कि जो काले कानून बनाए हैं सरकार ने, उसके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, मगर अभी तक किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, उस पर ना कोई अमल किया जा। सरकार जो है अपने जो अधर्मी पे जो है अड़ी हुई है, तो किसान भी अपने जिद पर अड़े हैं कि हटने का नाम नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, काला कानून जो है उसको समाप्त करेंगे। तो उसको लेकर किसानों ने जो रणनीति तैयार की है, तो किसान अपनी बात पर अमल कर रहे हैं और अपनी बातों को लेकर विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है। तो आज बिलासपुर सैकड़ों किसान फिर दोबारा से रैली निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बुलंद हौसले के साथ जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर किसानों की बात पर क्यों गौर नहीं कर रही सरकार। अब गेहूं की जो फसल है वो कटने जा रही है लगातार, जो है मुझे लग रहा है मई के अंदर जो है गेहूं की फसल को काट लिया जाएगा। किसान लगातार अपनी खेती भी कर रहा है, सरकार झुकने का नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनको पता है कि बड़े जो है ग्रुप में जो है उनसे वार्ता हो चुकी है। किसानों के साथ 11 मीटिंग हुई, मगर उस मीटिंग में एक में भी जो है हल किसानों का नहीं निकला। तो लगातार जो है किसान आक्रोश में तो है ही, मगर मोदी सरकार जो है किसानों के बारे में नहीं सोचती। एक तरफ देश का किसान जवान आज आमने सामने है, मगर उसके बावजूद भी देश का किसान सड़कों पर है, उसके बावजूद भी सरकार रुकने का नाम नहीं लेती, सुनने का नाम नहीं लेती। तो सवाल तो यही है ना, किसान क्यों नहीं रुके, किसान क्यों विरोध नहीं करेगा, क्योंकि किसान की सुनी नहीं जा रही है। तो सुनेगी सरकार तभी किसान शांत होगा, इससे पहले किसान शांत होने वाला नहीं। लखीमपुर खीरी होते हुए आज ये टांडा साहब से सवार को जा रही है। हम बिलासपुर में पहुंच चुके हैं। बड़ी हजारों की तादाद से ट्रैक्टर है और गाड़ियां हैं और भी किसानों की बात क्यों मोदी जी नहीं सुनते हैं। मोदी जी क्यों नहीं सुनते, ये तो मोदी जी बजा सकते हैं बेहतर, लेकिन किसान अपने हकों के लिए पिछले 119 दिन के लगभग उसको हो गए हैं, वो बॉर्डर पर बैठा है और अभी भी बैठा और आगे भी बैठेगा जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और MSP पर गारंटी नहीं देगी, तब तक ये किसान वहीं बैठे रहेगा। और मोदी जी को फैसला करना है कि 5 स्टेट आने वाले हैं, उसमें BJP छत्ती आ रही है कि बंगाल के हालात उनके देख लो, देश को बेचना शुरू कर दिया है, देश बिगड़ा है,
जीएसटी और जो आपका जो है आपका भारत पेट्रोलियम को बेचने लगा दिया है, कितने सारे एयरपोर्ट जो है वो आगे दे दिए हैं, रेंट पर ठेके पर दे दिए हैं, और इस तरह से पता नहीं क्या क्या भारतीय रेल भेज दी भारतीय लालकर ठेके पर, भारतीय रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा जो है सरकार ने वापस ले लिया है। तो इन हालातों में आप देख सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक गुलामी आने वाले समय में दो लोगों के खिलाफ जो है दो लोगों को सारा देश भेज दिया जाएगा और आर्थिक लगातार किसानों की आप बात सुन रहे कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, किसान अपने बिल निकालने की कोशिश की जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर आज लोगों का इकट्ठा है, सरकार को अब भी मान जाना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो इससे भी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालने के लिए किसान तैयार हैं, और सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि गेहूँ की फसल आ गई है, किसान आज भी डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। हम पीछे हटने वाले